ताजनगरी में बढ़ते अपराध के ग्राफ को कम करने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन टास्क प्रारंभ कर दिया है। साथ ही एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को भी हिदायत दी है कि अगर गलत कार्य करने वालों का साथ देने वाले पुलिसकर्मी बख्शे नहीं जाएंगे। बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी कमर कस ली है। गैंग बनाकर चोरी लूट करने वाले आरोपियों की कुंडली खंगालने की पुलिस तैयारी में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए ऑपरेशन टास्क प्रारंभ कर दिया है। साथ ही एसएसपी ने मिलावटखोरी का धंधा करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, या तो वह मिलावटखोरी बंद कर दे या फिर शहर छोड़ दे। साथ ही मुनिराज जी ने कड़े तेवर दिखाते हुए पुलिसकर्मियों को भी हिदायत दी है कि मिलावटखोरों का साथ न दे। यदि मिलावटखोरी में पुलिसकर्मियों की जरा सी भी संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर गाज गिरना तय है। हमारा तीनों एडिशनल एसपी का टास्क दिया है, सबको उनका काम वितरण किया है। खासतौर से जो जनपद में जो माफिया तरफ से जो संगठित गिरोह करके क्राइम करता था, खासतौर से सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस करना वाला, खासतौर से सट्टा है और अवैध शराब है और इलिसिट शराब का फैक्ट्री है और नकली तेल बनाना वाला है लोग है और बू माफिया लोग है, करण माफिया लोग है और ड्रग्स माफिया लोग है। इन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए जनपद का तीनों एडिशनल एसपी का मैंने नोडल बनाया है। तीनों एडिशनल एसपी के अलग अलग टारगेट दिया है। इस पर पिछले कई साल में जो इस पर शामिल है, जो अपराधी करने वाला लोग है, उनका खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए मैंने टास्क दिया है। इन लोग लगातार सभी के हिस्ट्री निकाल रहे हैं, हम लोग जो आजकल क्या कर रहे हैं उसका पूरा प्रोफाइल हम लोग निकाल कर चेक कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग किस तरह का काम कर रहे हैं और आजकल जो भी उस पर शामिल है उनका सख्ती से पूरे सबूत के साथ कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे। गिरफ्तार करके उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके उनने कितना भी आर्थिक लाभ उठाया इससे गलत काम में, उसका सबका हम लोगों ने जब्ती करेंगे। 14 उनके कार्रवाई के अंदर जब्ती करेंगे। ये हमारा टास्क चल रहा है हम लोग का, इसका हर काम इस पर पहले आज पहल है। ये तेल माफिया में वित्तीय नियमन दो घटना का एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर हम लोग उनके खिलाफ गैंगस्टर के कार्रवाई करेंगे और आगे भी हम लोग इस तरह का हम लोग जारी रखेंगे। जनपद का सभी हम लोगों ने जो भी कितना भी माफिया लोग इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का यह अभियान कितना रंग लाता है या फिर समय बीतने के साथ ही यह अभियान भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।